हेलो ओ हर हर महादेव। तो महादेव के नाम से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ आज का दिन। तो मैं घर से निकल पड़ा अपने यात्रा के लिए, केदारनाथ यात्रा के लिए। तो मुझे यकीन बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था कि मैं घर से निकल पा रहा हूँ, और सभी लोग बहुत ही इमोशनल था, और बहुत किसी ने ड्रॉप करने भी आया मुझे अपने घर पे। तो स्पेशली थैंक्स बोलना चाहता हूँ उन लोगों को, बहुत अच्छे से बोला कि अच्छे से जाना बोल के, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलो कोई नहीं, बाकी बहुत लोग आ भी नहीं पाए शायद, क्योंकि कहीं कहीं दूर में है, और बहुत कोई शायद दिन से उठा भी नहीं क्योंकि मैं बहुत जल्दी आ चुका हूँ। तो बस ऐसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हो चुका आज से, तो लगभग 2-3 महीने लग सकता है यहाँ से केदारनाथ तक पैदल यात्रा में। और 2700 किलोमीटर है यहाँ से टोटल, 2700 या 2600। तो मैं रोज़ का व्लॉग रोज छोटा छोटा करके डालते जाऊँगा, आप लोग देखना। और बस आप लोग हो सके तो आप लोग बस मुझे विश करना कि मैं अच्छे से पहुँच जाऊँ भोले बाबा के द्वार पे केदारनाथ यात्रा। और अगर आप लोग भी आना चाहते तो वापस केदारनाथ तक आ जाओ, मैं शायद 2 महीना बाद पहुँच जाऊँगा, तो साथ ही मिलके सभी लोग एक साथ दर्शन करते हैं बाबा केदारनाथ का। तो यहाँ पे मैं अपना ये वीडियो स्टॉप करता हूँ, आगे और भी कुछ कुछ वगैरह थोड़ा बहुत दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है और मैं फिलहाल अभी तक 5 किलोमीटर चल चुका हूँ लगभग आधा घंटा पे। तो अभी मुझे और आगे तक जाना है, और अभी टाइम बच चुका है, 9:30 के पार हो चुका है। तो चलो मिलते हैं आगे, बस विश करना मेरे को अच्छे से कि मैं पहुँच जाऊँ हर हर महादेव के नाम से। बाय बाय, हर हर महादेव। एंड प्लीज़ अगर वीडियो को देखना है तो अच्छे से देखो, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और शेयर भी कर देना। ओके बाय बाय। बहुत ज़्यादा गर्मी है, थोड़ा सा इंजेक्शन वगैरह ले लेता हूँ। बहुत ज़्यादा है, बहुत ऐसा दुखने लगता नहीं इतना मैं चल पाऊँगा, तो थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा वगैरह शाम वगैरह तभी ज़्यादा चलूँगा, थोड़ा सा पी लेता हूँ एनर्जी के लिए। अभी मेरा सर चकराने लग गया भाई, आगे तो बहुत बहुत बाकी है। ऐसे ही दिखाते रहूँगा थोड़ा बहुत करके। बाय। बाकी धूप है यार, बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत अच्छे ज़्यादा, बट कोई नहीं, सफ़र है, तय किया मैंने, करना तो पड़ेगा ही है ना। और मैं सोचा सूरज भगवान से दोस्ती कर लूँ ताकि हम दोनों आपस में मिलते मिलते जाएंगे, है ना, ताकि मुझे धूप भी ना लगे थोड़ा सा। चलो कोई नहीं, ऐसे थोड़ा सा बोर हो रहा था, मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रहा था। ओके बाय बाय। दो भाई ने मिलके एक मेरी ORS, एक मेरी माजा, थैंक यू सो मच, मैं बोलना चाहता हूँ, वो जा रहा है शायद। थैंक यू सो मच। अब मना नहीं कर सकता मैं किसी को भी, मना करूँगा तो उन्हें बहुत दुख लगेगा यार, तो उनकी खुशी के लिए मेरे को रखना पड़ेगा, बट कोई नहीं, मैं किसी को इनकार नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच, बस दिल से दुआ करूँगा कि उन लोगों का बहुत अच्छा हो। धन्यवाद। हेलो, वापस आ चुका हूँ मैं आप लोगों के सामने, और मैं अपने आप को दिखाना चाहता हूँ। मैं अभी पहुँचा हूँ सरायघाट ब्रिज, और यहाँ से यहाँ तक मुझे पहुँचने में लगा, मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था 1:30 से स्टार्ट किया था, और मैं पहुँचते अभी जालुकबारी पहुँचा, लगभग शायद मैं 17 या 18 किलोमीटर क्रॉस किया, वो भी 4 घंटा, 4.5 घंटे में। कितना, 8:30 ना, ओके 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 4 घंटा लग चुका है मुझे ये सफ़र पूरा करने में यहाँ से। और खैर, लगने का रीज़न भी यही है कि बहुत ज़्यादा धूप है, इसीलिए तो मैं कहीं रुक नहीं रहा हूँ, बस एक दो मिनट के लिए कहीं पे रुकता हूँ, तो पानी पीता हूँ बस वही, और बाकी वैसे रुक नहीं रहा हूँ नॉर्मली, कहीं अच्छे से रुकूँगा 1 घंटा, वहाँ पर रेस्ट लूँगा अच्छे से, क्योंकि अब मेरा बॉडी भी थोड़ा सा थक चुका है, तो इनको आराम देना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्टॉप करके चलो आगे, मिलाते हो मैं आपको, ठीक है, बाय। हर महादेव।
तो ये रहा सरायघाट ब्रिज। ये रहा मैं, और एक बात बोलने के लिए आया अपना लाइफ का, जब से छोटा से लेके बड़ा हुआ गुवाहाटी पे हूँ, आसाम पे हूँ, आज तक कभी मैं ये ब्रिज पर पैदल नहीं चला था। तो आज पहली बार मैं सरायघाट ब्रिज पर पैदल चल रहा हूँ। भाई लकी हूँ मैं, बात मैं खुद को मानता हूँ। चलो यार बाय बाय। पेट गर्म हो चुका, छाला पड़ने वाला है ऐसा लग रहा है। अभी तक एक बार भी ब्रेक नहीं दिया ना, इसीलिए ऐसा हो गया। ब्रेक देना चाहिए था मुझे बीच में। भाई तो एकदम ठंडा पानी ऐसा नहीं, बराबर एकदम ठंडा पानी ऐसा नहीं, एकदम बेसी नहीं ना। हेलो, तो मैं अब हाईवे के सामने एक होटल था उनके यहाँ पे घुसा अभी, क्योंकि मेरा पेट और ख़त्म हो चुका है मेरा। मैं कहीं भी स्टॉप नहीं किया था, बस हल्का हल्का सा आ रहा था। तो अभी मैं सोचा हूँ इधर कुछ खा लेते अपन यहाँ पे। तो और मुंह वगैरह तो रोटी लिखा खत्म हो चुका, काला वगैरह हो चुका हूँ, ठीक है। और अभी धूप भी नहीं है, अभी मौसम बहुत अच्छा है, तो अभी मेरे को अच्छा से चलना है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा वेस्ट लेता हूँ और फ़ोन वगैरह चार्ज लगा लेता हूँ, कपड़ा का आदत देखूँ। चलो मिलते हैं आगे यार, हर हर महादेव के नाम से हमेशा मिलाते रहूँगा आप लोगों को भी, और मेरा जर्नी के साथ आप लोगों को भी मिलाते रहूँगा, मेरा जर्नी कैसा है कैसा नहीं। फिलहाल अभी मैं कुछ खा लेता हूँ, इससे पहले मुँह भी धो लेता हूँ, फेस वॉश भी लेके आया हूँ, और यहाँ पे पानी है इधर। चलो वो बाय, हर हर महादेव। खाना वाना खा के अभी निकल चुका हूँ। मैंने एक्चुअली क्या है ना, जूता खोल दिया अभी, क्योंकि जूता की वजह से मेरा पैर में जो है ना कोसा भर गया था, इतना बड़ा बड़ा अभी भी पड़ा हुआ है। तो मैं अभी स्लीपर पर आ चुका हूँ, चप्पल और सॉक्स लगा लिया हूँ, और एंकल को थोड़ा सा टेढ़ा करके चल रहा है ताकि पानी ना फट जाए। पानी अगर वो जो थोड़ा फट जाएगा ना, तो फिर मेरे को चलने में बहुत दिक्कत। तो बस अभी मैं सांसारी पहुँचा हूँ, और पहुँच पाऊँगा कि नहीं वो भी डाउट लग रहा है। 5 बज ही चुका ऑलमोस्ट, लेकिन मेरा टारगेट था कि मैं आया था बस पहुँच जाऊँ, लेकिन शायद मुझे पहुँच पाऊँगा। कोई नहीं, देखते हैं यार, पहुंच भी सकते हैं हम। चलो मिलते हैं आगे, खाना वाना हो गया, अभी थोड़ा सा चाय पीना है कहीं पर रुक के। चलो बाय, हर हर महादेव। लो भाई, जिसका इंतजार था वो पधार गए। दिन में धूप कम था, जो बारिश आना था। मतलब पहले मेरे को गर्म किया, अब मुझे ठंड करना है यार। भाई कोई नहीं है, मैं रुकने वाला वैसे नहीं हूँ, मैं चलने वाला। अभी यहाँ बारिश का बूंद स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे बारिश गिरना शुरू हो चुका है। कोई नहीं, आगे कहीं रुकते हम, उसके बाद निकलते हैं। शायद मैं और 5 किलोमीटर से चलूँगा, उसके बाद यहाँ पर स्टॉप करूँगा कहीं पर। आज रात यहाँ पर रुकना है मुझे, मेरा टारगेट है 22 तक रुकने का, 22-24। और मैं चलने का लाइक भी नहीं हुई फिलहाल, टोटली पूरा ख़त्म हो चुका है पैर हाथ। कोई नहीं, चलते आगे। हर हर महादेव। तो भाई बहुत मजा हो रहा है मेरे साथ में, मैं बहुत खुश से जा रहा हूँ, बहुत खुशी से। बस थोड़ा सा पैर पे छाला पड़ चुका है, उसके अलावा मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मैं शूज उतार के चप्पल ले लिया हूँ, चप्पल में दिखा रहा हूँ आपको। और मैं अभी तक दिन भर में मैं चला, अभी बज चुके हैं 5:20, और मैं टोटल चला 34-35, हाँ अभी लेके 36 किलोमीटर चल चुका हूँ मैं अपने घर से यहाँ तक।
और मैंने बीच में कहीं भी रुका नहीं, सिर्फ एक जगह पे रुका था मैंने खाना खाने के लिए, और एक जगह रुका था अपने पैर को सही सलामत करने के लिए। तो बहुत अच्छा रहा। बस आशा करता हूँ ऐसे ही आप सभी लोग वीडियो को देखो, पसंद आए तो लाइक करो वरना चलेगा, और पसंद आए तो शेयर भी करो वरना चलेगा, कोई नहीं। हर हर महादेव, ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहो, मैं भी आप लोगों को लेके चलता हूँ केदारनाथ, यूं ही पैदल पैदल, तो मजा आने वाला है मेरे साथ में। हर हर महादेव, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आप सभी लोग अच्छे से रहो और मैं भी अच्छे से रहता हूँ। हर हर महादेव। तो हर हर महादेव के नाम से मैं और एक बार वापस आप लोगों के सामने आ चुका हूँ, क्योंकि आने का रीज़न यही है, ये भैया वाले भाई ने मिलके मेरे को वहाँ से खींच के लेके आया, बोला आप हमारे यहाँ पे आओ कुछ खा के जाओ। मैंने बोला खाना तो खा लिया, मैं नहीं खाऊँगा। इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने बोला चाय पी लूँगा, तो बोला आइए। तो मैं अभी आया, ये अभी मैं चाय पी लेता हूँ इधर से। अभी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत मेरे को रिक्वेस्ट किया इन्होंने, भाई थैंक यू चाय पिलाने के लिए, चाय मना नहीं करता हूँ मैं, थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही कुछ छोटा छोटा पल दिखाते रहूँगा आप लोगों को मैं। चलो बाय बाय। भैया से मिलाना चाहता हूँ, मैं इनको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे पनाह दिया यहाँ पे। और रानी मोटर्स, जी हाँ, और ये बायोटा चार्ली से 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर पहले ही है, सांसरी रोड पे ही है, टोल गेट के पास, मॉडर्नपुर टोल गेट। यस, तो बहुत अच्छा इंसान है, सबसे पहले मेरे को बुला के यहाँ पे चाय पिलाया, उसके चाय पिलाते पिलाते मुझे यहाँ पे आश्रय भी दे दिया, तो भाई मैं बहुत खुश हूँ एंड थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ। जहाँ महादेव का कृपा हो वहाँ पे कोई किसी से कोई भी कष्ट से ना रह सके, ये बात तो सही है, तो इन्होंने प्रूफ कर दिया। शायद मुझे ऐसे ही इंसान हर जगह मिलते रहे तो मेरा जर्नी बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही ज़्यादा सेफ रहेगा। और भैया का कहने का मतलब भी है कि खा के भी जाओ, बोले खाना भी खाना है, लेकिन खाना नहीं है मुझे। और ये जो आप टेंट देख रहे हो, ये अभी मेरे को लाके दिया है रिमियर अनुज ने लाके दिया, और ये वगैरह बैग वगैरह भी सब कुछ रिमियर अनुज अभी लाके दिया, टिफिन भी खाने वाला चीज़ रिमियर अनुज लाके दिया। तो उन लोग भी आके मुझे अपसेट करके चला गया, क्योंकि उन लोग बोल रहा था वापस चले घर, लेकिन मैं घर नहीं जा पाया, बहुत दुख लग रहा था, बट कोई नहीं है। थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ रिमियर अनुज को भी, मैं बहुत बहुत थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ, और ये भाई लोग को भी मैं बहुत बहुत थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ, और मैं आप सभी को भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ। यही कि आज का दिन मेरा यहाँ पे समाप्त हो रहा है, और मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा लेटने वाला हूँ, थोड़ा सा आराम करने वाला हूँ, उसके बाद फिर कल सुबह यहाँ से मैं 4 या 4:30 बजे करीब यहाँ से निकल जाऊँगा अपना यात्रा के लिए। तो बस सभी लोग को अपनी तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ हर हर महादेव। और ये था मेरा डे 1 का सबसे पहला वीडियो केदारनाथ यात्रा का, यहाँ से सफ़र मेरा शुरू होता है, आज से मेरा यात्रा स्टार्ट है। तो ये वीडियो आप लोग देखो, पसंद आए तो अच्छे से शेयर करो, लाइक करो, कुछ भी करो। चलो हर हर महादेव। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये भैया लोग मेरे लिए लेके आया पनीर, तो आज हमारा यहाँ पे चलेगा भोजन पनीर का। इन लोग ने मेरे को अपना घर का बना के रख दिया, जाके मार्केट से पनीर लेके आया मेरे लिए, और क्या ही कहना इन लोग को मैं, आज के दिन ही भी ऐसा इंसान होता है कि ना जानना पहचान फिर भी इतना मेहमान भाई बहुत बहुत अच्छे लोग हैं इन लोग, सच में बोलूँ जितने भी दिल से बोलूँ ना, मेरा शायद मेरा यात्रा सफल हो यार, क्योंकि सबसे पहला आज का पहला दिन में ही मेरे को इतना अच्छा अच्छा लोग मिल रहे हैं, और उन लोगों में से सबसे बेस्ट ही। और मेरा टेंट यहाँ पे, सब कुछ मेरे को रहने का जगह दिया, खाने का जगह दिया मेरे को, और क्या चाहिए मेरे को, इससे बढ़कर मेरे को क्या चाहिए, जिसका कोई नहीं है उसका सब है, सही बात है ना, हाँ है कि नहीं भैया। थैंक यू। आप लोग का ये गैरेज कौन सा है, ट्रक का या फिर बाइक का? मारुति का ना, ओके कोई नहीं यार, इंसान बहुत सही है। ये रहा विश्वकर्मा जी इधर, और इधर हम, बहुत मुझे आश्रय मिल गए यहाँ पे सच में, मैं नहीं तो यहाँ से और आगे जाके मुझे भटकना पड़ता कहाँ रहता कहाँ नहीं, बट इन्होंने मुझे बना दिया यहाँ पे, और यहाँ पे सब कुछ है, बाथरूम वगैरह सब कुछ है, बोला आप सब कुछ यूज़ कर सकते हो अच्छे से,
तो लो भाई सारा फैसिलिटीज मिल गया। ये भाई ने तो मेरे को साबुन ला के दिया, बोलते भैया साबुन चाहिए, मतलब नहीं मेरे पास फेस वॉश है, मेरे फेस से फेस कर चुका हूँ। चलो यार थैंक यू सो मच भाई, एंड थैंक यू सो मच भैया। चलो फ्लैश अपना मुंह पे आ रहा है तो मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, बस इतना बोलना है मुझे, और आग इसलिए नहीं खोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने बोली नहीं स्प्रे मारा था अपना पेड़ पे, तो सीधा आग भी लग गया तो आग भी नहीं खोल पा रहा हूँ। और मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, सबसे पहला मेरा टैन देखो आप लोग, ये मेरा हो गया टैन आज का सोना। तो आज का जर्नी मेरा यहाँ पे ख़त्म होता है, और मैं अपना पेड़ का भी हालत दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा। ये पूरा वाइट कलर का दिख रहा है, ये छाला पड़ चुका है। उसके बाद इधर तो कोई नहीं, तो यहाँ से डे वन कंप्लीट हो रहा है मेरा। हर हर महादेव के नाम से सभी को, आप सभी को शुभ रात्रि, बाय, गुड नाइट। फिर डे टू कल क्या क्या होता है वो मैं दिखाना चाहता हूँ सभी लोगों को, बस यूं ही ऐसे ही देखते रहना। चलो बाय। और मैंने टैन तो लिया, बट टैन कुछ भी नहीं है, मच्छर है सिर्फ जमाया। ओके बाय, गुड नाइट, हरे महादेव।